हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हों और अपने घरों में सुरक्षित हों। आज डे है संडे और दोपहर में हमारा लंच वंच सब हो चुका है। सुबह से तो कितना काम, कोई गिनती नहीं है ना। संडे खतरनाक दिन, तो जैसे तैसे दोपहर का टाइम समाप्त हो चुका है और 3 बज रहे हैं। सवारी तैयार हो चुकी है चलने के लिए बाहर। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एक यहाँ पर पुरातन मंदिर है, 3 नदियों का संगम है, तो वहां जा रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और ज्यादा कुछ मुझे जानकारी नहीं है। जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो मैं शूट करूंगी। 3 बज रहे हैं, 3 बजे हम लोग को निकलना था, तो सुबह के मैंने अपने सारे काम हम सब कर लिए। अभी बस चाय रखी है, चाय पी के निकलेंगे। और ये बन चुकी है हमारी चाय, तो चाय पी के निकलेंगे। गुप्ता जी के लिए भी चाय बनाई, मैंने पूछा था आप भी चाय पियेंगे, तो बोले हाँ, क्योंकि शाम में कई बार वो संडे के दिन ले लेते हैं ना। और शुभी नहीं जा रही है, मैं शुभम गुप्ता जी जा रहे हैं और हमारी बिल्डिंग में जो हैं भैया उनके साथ। वो 2 नदियों का संगम है, शायद मैं गलती से 3 बोल गई थी ना। और हम लोग सब रेडी हो चुके हैं और निकल लिए हैं। तो जो भैया जिनके साथ हम लोग जा रहे हैं, तो उनकी फैमिली यानी आशा, दिशा और भैया हैं, और मैं, शुभम और गुप्ता जी। बस हम लोग निकल रहे। शुभी का आज एग्जाम है इसलिए वो नहीं गई है। और ये कुशन इनको बहुत अच्छे लग रहे हैं, आशा को, जो रोज कुशन मैंने मंगाए थे ना वो पीछे रखे हैं गाड़ी में। भैया के साथ संडे के दिन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि संडे गुप्ता जी की छुट्टी रहती है, और बीच बीच में जहाँ सेफ होगा रोड, जहाँ ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि अभी सीख रहे हैं ना, तो गुप्ता जी बीच में ड्राइविंग करते जाएंगे, इसीलिए थोड़ी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि जो लर्निंग क्लास में है तो वो उनका तो अलग ही है ना, लेकिन थोड़ा अपनी गाड़ी से भी प्रैक्टिस जरूरी है इसी वजह से। और साथ तो जैसे ही हम लोग निकले तो सबसे पहले आए हनुमान जी के मंदिर। ये लक बाई चांस है, रोड पर ही ये मंदिर था हनुमान जी का। हम लोग को जाना तो कहीं और ही है, तो भैया ने बोला यहाँ पे चलें क्या, तो हम लोगों ने कहा ठीक है दर्शन कर लेते हैं। तो बाद में मुझे ऐसा लगा, हम लोग फर्स्ट डे निकले थे तो हनुमान मंदिर गए, तो सेकंड डे निकले हम लोग तो भी हनुमान जी के मंदिर के लिए गए, आज थर्ड डे जा कहीं और रहे हैं, लेकिन पहले दर्शन हनुमान जी के हो रहे हैं। माता टेकना कितना अच्छा है ना। तो वो सब भगवान की जो मर्जी होती है, जबकि इनका ऐसा कहना है कि ये लोग यहीं रहते हैं भुसावल में, तो भी आशा फर्स्ट टाइम आई है इस मंदिर में और इसी रोड से निकल जाती हैं। और भैया कह रहे हैं कि वो 30 साल बाद आए हैं, मतलब ये कि जब भगवान को जहाँ बुलावा होता है वहाँ वो उस तरीके का सारा प्रोग्राम फिक्स करते हैं और फिर वही हम लोगों का जाना होता है। अब गुप्ता जी ड्राइव कर रहे हैं, ये देखो जहाँ जहाँ, मतलब ये है कि हाँ यहाँ सेफ है, हाईवे से निकल रहे हैं ना हम लोग और दूर जाना है, तो बीच बीच में अपना उनको चलाने के लिए जहाँ सही है रास्ता वहाँ चलाते जाना है। इससे प्रैक्टिस भी होगी ना, थोड़ा सा डर भी खत्म होगा। फिर हनुमान मंदिर से निकले हम लोग दर्शन करके, तो यहाँ पर जहाँ हमें आना था, संत मुक्ताई, ये लिखा है ना, श्री संत मुक्ताई अष्टक, यही मुक्ताबाई, ऐसे तुकाराम, मुक्ताबाई, ऐसे संत सुना होगा जो लोग यहाँ रहते हैं वो जानते ही हैं। तो यहाँ पर इनका मंदिर है, मेला लगता है इनका अपना कोई खास होता है, उसमें बहुत भीड़ रहती है, लेकिन भीड़ भीड़ से मतलब आने से अच्छा शांति से दर्शन हो जाए, तो ऐसा ही दिन है आज का। और विट्ठल मंदिर है यहाँ पर, विट्ठल रुक्मिणी, और यहाँ पर ये जो मंदिर है ना, अभी देखो बन रहा है, कितना काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चालू है, और जैसे बहुत भीड़ रहती है इनके खास दिन जो होते हैं, तिथि वगैरह, उसके हिसाब से वो पूरी ऐसे बनवा रहे हैं वरांडा गैलरी, जैसे शिरडी में ना कि स्टेप बाई स्टेप आप जाएं, इस वरांडे से होके दूसरे वरांडे में जाएं, फिर वहां से रास्ता हो, इस तरीके का। लेकिन आज हम लोग को इतने आराम से दर्शन हुए, और यहाँ पर मतलब पाठ पूजा होती रहती है ना, तो वही चल रहा है। और ये मूर्ति अभी क्योंकि काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो यहाँ मूर्ति इस तरीके से रखी हुई है, जो भी बनवा रहे होंगे वो फिर उस हिसाब से उनको सेट करेंगे ना। और जब मतलब ऐसे मंदिरों में जाओ जहाँ एकदम शांत माहौल रहता है, तो मन शांत लगता है, अच्छा लगता है। भीड़ में क्या होता है, मतलब गए और दर्शन हुए निकल गए, तो वो चीज़ नहीं रहती है, भड़बड़ भड़बड़ नहीं रहती है। मतलब फिर भी काफ़ी लोग दिखाई दिए हम लोगों को, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। सिद्ध मंदिर हैं, पुराने हैं, तो एक प्राचीन, और अभी भी इतना डेवलप किया उन्होंने, काफ़ी है। और यही मंदिर के ही बगल में, बिल्कुल
बहुत ही सुंदर है नेचर ब्यूटी। ये देखो पानी कितना सुंदर लग रहा है ना, और वो सामने वाला जो बड़ा सा झाड़ है वो ऐसे टूट करके झुका हुआ है, तो वो ऐसे पानी के ऊपर दिख रहा था जैसे कि पानी है ब्लू ब्लू, उसके ऊपर वो पेड़ की पूरी शेड बहुत अच्छी लग रही थी, उसकी शेडो बहुत सुंदर और फोटोग्राफी के लिए बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर ना लोग प्री वेडिंग शूटिंग के लिए आते हैं, बढ़िया है, अच्छी जगह है। हम लोग भी बैठ के अपना यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं, और बहुत ही सुंदर और हल्का ठंडा मौसम लग रहा है, मतलब धूप है तेज और ठंड नहीं है और ना ही गर्मी है, जैसे कि होता है ना जनवरी फरवरी जो मंथ है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वहां गर्मी भी नहीं होती इन दोनों महीनों में, और ठंड तो होती ही नहीं है, इसलिए बहुत ही बढ़िया है। क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मौसम सुंदर अच्छा सुकून देने वाला, इसीलिए घूमने में भी अच्छा लगता है इस मौसम में। अगर बहुत तेज गर्मी हो तो फिर इतनी खूबसूरत जगह में भी आके मन नहीं लगता, लगता है कितनी गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं था। और पानी के आसपास तो वैसे भी एक ठंडा वातावरण रहता है, कितना सुंदर ना ब्लू 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 बहुत सुंदर, उसपे जो शेड है पूरे पौधे दिखाई दे रहे हैं शेडो में, वो बहुत सुंदर लग रहा था मुझे देखने में, ऐसा लग रहा है जैसे फिल्मों में शूटिंग देखते हैं ना कुछ उस तरीके का, म्यूजिक के साथ डैन डैन। शुभी नहीं है तो मैं उसको पूरे टाइम मिस कर रही हूँ, लेकिन ठीक है अब क्या करते, आते उसका पूरा दिन का जाता, और उसका एग्जाम था, दो टेस्ट थे आज के दिन, संडे के दिन दो टेस्ट, तो वो आती तो बाद में यही कहती रहती ना कि नहीं दे पाए, फिर इससे अच्छा है कि बाद में कभी भी आ जाएंगे, हम लोग तो खुद ही फर्स्ट टाइम आए हैं, और अब जब ड्राइविंग में अच्छे एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर तो कभी भी आना जाना रहेगा ही, अब गाड़ी है तो कभी भी शुभ भी आएगी छुट्टियों में, तो फिर कोई आसपास दो चार जगह है तो ऐसे तो फिर जाना ही है घूम फिर के यहीं कहीं, तो मैंने कहा ठीक है आज नहीं आओ, तो थोड़ा तो मन खराब हुआ था, लेकिन फिर ठीक है सब कुछ सोचना पड़ता है ना, वैसा ही बात की थी बीच में उसको, मैंने कहा कि अच्छा तो लग रहा है शुभी तुम होती तो और ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन अब। और फिर हम लोग आगे निकले फाइनली जहां के लिए हम लोग घर से आए हैं, ये तो बीच रास्ते में था ना इसलिए हम लोगों ने यहाँ दर्शन किए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं वहां के लिए अब निकले हैं, और यहाँ पर है दो नदियों का संगम और साथ में है मंदिर, तो यहाँ ये देखो गेहूं की बाली, शुभम ने तो फर्स्ट टाइम देखी है, मैंने सूखी देखी है, खेत नहीं देखे, हमारे यहाँ खेत नहीं है, हमने कभी खेत देखे नहीं है, ऐसे देखे हैं दूसरों के, हमारा अपना कोई खेत वेत नहीं रहा तो कभी गए नहीं, देखा नहीं उतने उससे, ऐसे गए जैसे अभी देख लिया कि अच्छा हाँ ये लगा हुआ है, तो गेहूं की बाली है ये कच्ची है अभी, और यहाँ प्रसाद मिल रहा था तो नारियल लिया है मंदिर के लिए, और जो एक आरती के लिए लिया है ना वो अलग लिया है, कपूर आरती वाला दीपक वहां पर पूजा करने के लिए, तो दो पूजा लिए हैं, और ये देखो कितना आराम से इन्होंने नारियल की जटाएं ऐसे खींच खींच के निकाला, जब कोई काम करता है तो उसको कितनी मतलब प्रैक्टिस हो जाती है किसी काम में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेंट्स कर रहे हैं कि लेडीज कर रहे हैं, हम लोग के घर में एक नारियल आ जाए ना तो वो महीनों पड़ा रहता है कि उनसे छिलवाएंगे। निकलता नहीं है ना जटाएं, अब वो देखो बेच रही है तो उनको करना ही है, वो काम है उनका, तो काम की वजह से लोग सब कुछ करते हैं अपने काम के लिए और फिर उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब ये सब सीखने की चीजें रहती हैं, बाहर निकलना कोई भी काम होते हैं वहाँ पर सामने रेवड़ी बना रहे थे एक भैया, तो उनकी शूटिंग लेने गई थी, इन लोगों ने सबने पी लिया है बहुत ही बढ़िया, बिना बर्फ का गन्ने का जूस प्योर, ये देखो रेवड़ी बना रहे थे, मेरी नजर गई, मैं देखने गई तो मैंने उनसे पूछा कि मैं शूट करूं, तो बोले हाँ करिए दीदी, ये देखो रेवड़ी की कितनी मेहनत लगती है, आ जाती है घर में रेवड़ियां तो कोई खाता नहीं, मीठी मीठी तिल लगी होती है ना, जिनको पसंद होती है वो तो शौक से खाते हैं ये, लेकिन बनाने में कितनी मेहनत है, चीनी को देखो इस तरीके से कैसे रबड़ जैसा खींच रहे हैं, ये देखो ऐसा पाग बनाया जाता है, पाग को फिर इस तरीके से स्ट्रेस करते हैं, कितना खींच के इनके हाथों में कितनी दिक्कत हो रही होगी, देखो पाग यहाँ चूल्हे में पक रहा है, चाशनी यहाँ टुकड़े हो करके तिल लपेटी जाती है, मतलब कोटिंग हो तिल की ना, सफेद तिल ढेर सारा है कढ़ाई में, और वो जो टुकड़े बन गए हैं पीसेस उनको इस तरीके से कोटिंग करते हैं तिल की, तो ये पूरा प्रोसेसिंग चल रहा है, कोई खींच रहा है, कोई वहां पाक बना रहा है,
कोई वहां तिल की कोटिंग कर रहा है लपेट उसमें बाहर से हो जाए, और यहां बन रही हैं रेवड़ियां। कितनी मेहनत का काम है सोचो, ये जो प्रसाद में छोटी छोटी रेवड़ी आती है ना वो बन रही है, ये ऐसे खींच रहे हैं ना रबड़ जैसा एकदम चीनी है, और फिर अभी इसके टुकड़े करेंगे। देखो ऐसे फट 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 काट रहे हैं वो छोटे छोटे से टुकड़े, और जितने पीसेस होते जा रहे हैं वो पीसेस वहां पेड़े जैसे साइज, फिर वो वहां कढ़ाई पे जा रहे हैं, वो तिल से उनकी कोटिंग हो रही है, वो वहां खींच रहे हैं ये रेवड़ी, फिर बेचती हैं, बेचते हैं फिर। मतलब एक चीज जो प्रोसेसिंग में है इतनी मेहनत के बाद फिर वो सेल करते हैं, और यही चीज बड़े शॉप में, बड़े सिटी में, लखनऊ उखनऊ तक तो रेवड़ियाँ कितनी फेमस हैं बहुत ज्यादा। और ये सब पूजा का जो सामान मिलता है, तरह तरह के का पहनने वहनने की भी चीजें रहती हैं, देने लेने की पूजा में सब सामान मिल रहे हैं, ये दुकानें हर जगह रहती हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपको बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलती हैं, छल्ले वल्ले जैसी होते हैं कड़े, वो सब यहाँ अच्छा मिल जाता है, पूजा का सामान। और फिर हम लोग आ गए हैं फाइनली उस मंदिर में, मतलब ये सब वॉकिंग डिस्टेंस में था जहां से हमने प्रसाद लिया से लेकर के यहाँ तक आने का। पर बार बार मेरे मन में यही था कि मौसम बहुत प्यारा है, इस मौसम में ना तो गर्मी लग रही है चलने फिरने में आने जाने में, और ना ही ठंड लग रही है, कि क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड भी हो तो भी घूमने में अच्छा नहीं लगता, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। और ये सब प्राचीन है, देख के ही लग रहा है ना काफी पुराना है, काफी टाइम पुराना। और ऐसी जगह है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बस हमेशा तो आना नहीं होता, हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं, और जो हमारे साथ हैं फैमिली ये भी फर्स्ट टाइम आए हैं, जबकि ये लोग तो यहीं के रहने वाले हैं भुसावल में ही, और हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर। तो वही चीज हो जाती है, कई बार इंसान सोचता है जाएंगे जाएंगे, जाना ही नहीं होता, पर जब भगवान की मर्जी होती है तभी सबका निकलना होता है, और उस दिन वहां हम लोगों का जाना लिखा बदा होता है, किसके साथ जाना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, सब पहले से तय, और उनकी मर्जी होती है, और हम लोग यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा वातावरण, जैसे अंदर घुसो ना ये सब इतने पत्थरों का बना हुआ रहता है ये है। और वहां से मंदिर से दर्शन किया कि फिर ये नदी जो मैं बता रही थी ना, दो नदियों का संगम है, बिल्कुल सामने से दिखाई दे रहा है दूर से, जब हम पास में पहुंचे ना बोटिंग से साफ दिख रहा है पानी के कलर में चेंज, और एक होता है ना धारा वो फ्लो, वो भी बिल्कुल ऐसे समझ में आ रहा है, डिवाइडर के दिख रहा था पूरा, बहुत ही ज्यादा। ये जगह पर जब बोटिंग में बैठे ना तब शुभी को बहुत मिस किया मैंने, कि शुभी होती कितना मजा आता। कोई बात नहीं, हम शुभी को लेके आएंगे फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ आएंगे, या कभी कोई हमारे पास आया तो होता ना कहाँ जाओ कहीं घूमने जाना है, तो एक अच्छी जगह है जहाँ पे आया जा सकता है। और ये देखो ऊपर नीचे एक जैसे ब्लू ब्लू लग रहा है ना, इतना सुंदर लग रहा है, पानी देख के आंखों को एक अलग सा सुकून मिलता है, और बहुत दूर तक जितनी भी नजर जा रही थी वहां तक पानी दिखाई दे रहा था। और फिर बोटिंग होती है यहाँ पर, तो हम लोग भी बोटिंग करेंगे, तो हम लोग के सामने एक बोट गई हुई थी, फिर ये था कि जब वो वापस आएंगे तो हम लोग उसी में जाएंगे। यहाँ से भी दूर से दिखाई दे रहा है, सोचो कितना सुंदर लग रहा है, जब पानी में जाएंगे जैसे वो बोटिंग दिख रही ना सामने स्टीमर है, तो उसी में हम लोग भी बैठ कर जाएंगे। फिर हम लोग भी गए, जैसे वो लोग आ गए फिर हम लोग गए, और आरती वहीं कर लेंगे, जैसे पूजा करनी है ना तो वहीं पर बीच में ही कर लेंगे, ऐसा सोचा था हम लोगों ने वो दीपक रखने के लिए। और बैठ गए हम लोग, जा रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना, टाइमिंग भी बहुत बढ़िया, सनसेट के पहले वाला टाइम था ये हमारा। और शुभम खूब खुश है, मजा आ रहा है शुभम को। ऐसा वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कई बार वैसा है, और जो प्री वेडिंग शूट होती है उसमें तो बहुत सुंदर सुंदर सीन्स लेते हैं, शूटिंग करते हैं, वो सब यहीं पे आके करते हैं लोग, जो आसपास के मतलब यहाँ पर जो शूटिंग कराते हैं ना, हर शहर का होता है कि भाई जिस सिटी के आसपास कोई अच्छी जगह होती है ऐसी सीन सीनरी मिले वहीं लोग जाते हैं शूटिंग के लिए, तो यहाँ सीन सीनरी तो आप देख ही रहे हो कितना सुंदर है प्यारा एकदम, हम लोग को तो इतना मतलब
आइडिया नहीं है, इतनी हैबिट नहीं कि अलग अलग तरीके से शॉट्स लें, लेकिन वो जो स्टूडियो वाले कैमरा मैन उनको तो पूरी प्रैक्टिस होती है। और अच्छा गुप्ता जी देखो पूजा का सामान निकाल रहे हैं, खोल रहे हैं, तो एक वो थी तांबे की प्लेट है और उसमें कपूर जलाना है और पान के पत्ते के ऊपर रखा था और वो धोने में फिर आरती करनी है। वो कपूर और अगरबत्ती सब खोल करके फिर जलाया अगरबत्ती से, अगरबत्ती और ये कपूर की आरती, और फिर आरती यहीं बीच में जैसे नदी में आ गए ना हम लोग, तो फिर वहीं बीच में ही आरती कर लिया और फिर यहीं पर ऐसे बीच में रख देंगे। तो खूब देर तक चल रहा था दिया और ऐसे जल रहा था धुआं, जब कपूर बुझ जाता है तो धुआं ऐसे उड़ता है ना, वो बड़ा अच्छा लग रहा था ऐसे अगरबत्ती। फिर ये था अगरबत्ती कहाँ रखे, मैं वही सोची थी हाथ में पकड़े हुए थी। मजा आया, बहुत अच्छा लगा, कितना सुंदर ना, और वो जो जब सूरज डूब रहा है वो वाला सीन वहां से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लाइट पड़ी थी ना आंखों में तो मुझे अच्छे से क्लियर दिखा नहीं, पर मैंने ऐसे कोशिश की लेने की। और शुभम ने नारियल दिया, इसमें भी एक नारियल और वो वोटी थी ना कपड़े वाली। और पूजा हुई और हम लोग सबको अच्छा लगा, बहुत मजा किया, इंजॉय किया। या दो फैमिली होते हैं तो और अच्छा लगता है ना, एक से दो लोग गए तो अकेला अकेला नहीं लगता है। और ये देखो ऐसे मैं बता रही थी ना पानी का, ऐसे दूर से देखने में साफ नजर आ रहा था, अब ऐसे पास में से दिख रहा है कि नहीं, दो नदियों का संगम है ऐसे दिख रहा था इधर से, एक तापी नदी है और एक वो दूसरी वाली नदी। ऐसा और कब कब हम लोग का राउंड पूरा हो गया पता ही नहीं चला हालांकि काफी दूर तक लेके गए थे वो, बहुत दूर तक, वो उस समय पता कहाँ चलता है, हमारे खुशी के रहते हैं हम लोग। अच्छा फिर ऐसे वो पूरा उन्होंने एक राउंड किया वहां तक, दूर तक ले जा करके फिर घुमा के लेके आए। शुभम पानी छू रहा है, मम्मी मेरा लेना, हमने कहा अच्छा। मेरा तो जैसे मतलब जैसे मैं कैप्चर कर रही हूँ ना तो दिल ही नहीं भर रहा, लग रहा है ये कितना सुंदर लग रहा है, वो कितना सुंदर लग रहा है, सीन सीनरी बहुत सुंदर। काफी सालों बाद हम लोग कोई ऐसी एक जगह में आए होंगे, याद ही नहीं है कब कहाँ गए थे घूमने की इस तरह की ऐसी जगह में, और मजा आया, अच्छा लगा, वापस आ गए अपने ठिकाने। ये देखो मतलब कब गए थे, आ गए फटाफट से, पता ही नहीं चला जो मैं कह रही थी, लेकिन वो उतनी देर की जो खुशी थी उसी खुशी में डूबे हुए थे सब, मजा आया। एक अलग सी जगह है जैसे कि ना, हाँ मन फ्रेश हो गया, मूड एकदम ऐसा था। फिर बस लौटने का टाइम, यहीं के लिए स्पेशली आए थे हम लोग लास्ट। और ये देखो बंदर, इतने सारे बंदर बड़े बड़े वहां कूद छलांग मचा रहे थे। ऐसे जो मंदिर होते हैं ना जहां एकदम शांत माहौल रहता है, वहां बंदर जरूर मिलते हैं, काले मुंह के बंदर, लंगूर। और यहाँ पर भी केले के चिप्स, जो मैंने बोला भुसावल के, तो हर एरिया में जहां भी आप जाओ केले के चिप्स वेफर्स जरूर मिलते हैं, अच्छा है टाइम पास के लिए। बस फिर सीधे हम लोग लौट गए घर के लिए, शाम हुई यही टाइम था लौटने का और अंधेरा हो गया भुसावल पहुंचने पर, मतलब टाइम से घर आ गए, ये है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। 4 बजे निकले थे मानो, 3:30 बजे निकले थे, हाँ आज 3:30 बजे निकले थे और इस टाइम तक हम लोग घर आ गए। और 7 बजे हम लोग घर आ गए, 3:30 बजे निकले थे ना, 7 बजे घर आ गए हैं और बिल्कुल भी थकान वकान कुछ हो ही नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि धक्के मार जैसे पहले गए है ना, ट्रेन से आना जाना, बाइक से, स्कूटी से, तो मैंने तो कान पकड़ रखे थे। अगर देखा होगा 3-4 सालों से मैं कहाँ कहीं जाती थी, मुझे बोला भी जाता था आज संडे है, आज छुट्टी है, आज रेस्ट है, आज ये कहीं चलना है, नहीं भैया अपना घर भला क्योंकि वहां से आओ तो खड़े हो जाओ और जाते समय भी खड़े रहो और वहां तो जो धक्का मार करते ही रहो, नहीं हमें नहीं जाना। तो दुकान पकड़े थे मतलब 22 सालों से पहले बहुत की हैं, क्योंकि कुछ जरूरी चीजें होती थी जिनके लिए हमें बाहर जाना होता था। जैसे अमरावती जाते थे हम मुर्तजापुर में जब रहते थे, ट्रेन से आना जाना, तौबा वो दिन तो याद करके ही
भैया मैं घर ही ठीक है, हमको कहीं नहीं जाना। अच्छा हुआ ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है। घर आते ही बच्चों के लिए हल्दी वाला दूध बनाया, गुड़ डाल करके बिस्किट दिए। और हाँ चिप्स ये लोग अभी नहीं खाएंगे दूध के साथ, मैंने देखा है कि दूध के साथ नमक नहीं देना चाहिए, पर इन लोगों को ऐसे खाने का मन था तो दूध बिस्किट खाएंगे, फिर अपना तो फिर थोड़ा टाइम पास करते रहेंगे, इसलिए दिए थोड़े चिप्स। कल लिए थे ना शुभम ने, वही रखे हैं। और ये अदरक लहसुन हरी मिर्ची मैंने ग्राइंडर जार में डाली है, ढेर सारा हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया है ना, इसको हम पीस लेंगे। अदरक लहसुन हरी मिर्ची और साथ में ढेर सारा धनिया, और जरूरत लगे तो थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे एकदम फाइन पेस्ट बन जाता है, एकदम फाइन। ये देखो ढेर सारा, अब इसे मैंने कटोरी में निकाल लिया है क्योंकि उसी ग्राइंडर जार में फिर मैं टमाटर पीस लूंगी। कुकर में सरसों का तेल डाल करके गरम करने रखा, जैसे ही तेल गरम होगा, और तब तक मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का टमाटर प्यूरी बना ली है। बस इसमें मैंने डाला है जीरा तेल में, थोड़ी सी हींग, और जो हमने मसाला पीसा है ये डाल देंगे। इस मसाले की खुशबू इतनी बढ़िया आती है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो लहसुन की जो ये ग्रेवी, इसमें मज़ा आएगा। हरा धनिया और सूखे मसालों में हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि ना हरे धनिया का ही इतना ज़बरदस्त फ्लेवर होता है ना लहसुन हरे धनिया का, और धनिया पाउडर डालने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमने फ्रेश धनिया इतना सारा यूज़ किया है। हल्दी तो सिर्फ हल्के से कलर के लिए और लाल मिर्ची तीखेपन के लिए, हालांकि हरी मिर्ची का तीखापन इस सब्जी में बहुत मस्त लगता है। तो जो एक फ्रेश हरी धनिया, हरी मिर्ची और लहसुन का जो फ्लेवर है वही सब्जी का मेन टेस्ट है। अब मैंने टोमेटो प्यूरी भी डाली है, जब अच्छे से धनिया भुन गया है, कच्चा पन्ना रहे ना लहसुन वगैरह का, और धनिया भी भुन गया, टमाटर प्यूरी भी डाल के अच्छे से भुन लिया है। फिर यहाँ पर मैंने डाले हैं कटे हुए आलू, और ये नया वाला आलू है, मैंने नाइफ से ऐसे हल्का सा खरोचा है और टुकड़े करके पानी में डाल के रख दिए है, और फटाफट से आलू डाल के मिक्स कर लेंगे तो पूरी सब्जी की अच्छी कोटिंग हो जाती है। मसाला भुन ही चुका है और आलू भी अच्छे से मिक्स हो करके अब इसमें पानी डालना है। एक तो आप इस तरीके से भी ग्रेवी बना सकते हैं, जैसे अभी बना और पानी डाला और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया और कुकर बंद कर दिया, लेकिन इसमें धनिया इतना ज़्यादा है कि धनिया का हो सकता है टेस्ट बहुत ज़्यादा महसूस हो, या फिर जैसे ग्रेवी है तो थोड़ी पानी पानी सी रहे। इसको और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए ना सिर्फ 2 चम्मच बेसन लो, 2 छोटी चम्मच बेसन, और इसको पानी डाल करके घोल लें, और इस टाइम पर जब हम कुकर अभी बंद करने वाले हैं तब हम इसको बेसन को घोल के डाल दें। इससे क्या होगा, जो ये ग्रेवी है ना इसमें हल्का सा लटपट आता है, जैसे वो पतली वाली कढ़ी वाला जो आता है वैसा, यानी जो हमने धनिया पत्ता इतना सारा डाला है पीस के, वो पानी पानी और धनिया अलग ऐसा नहीं लगेगा, इससे थोड़ा सा लटपटपन आ जाता है। ग्रेवी थोड़ी हल्की सी थिक होती है, बहुत गाढ़ा नहीं करना, इसलिए ज़्यादा बेसन नहीं डालना वरना गाढ़ा गाढ़ा लगने लगे, कढ़ी जैसा हो जाएगा वो, नहीं सब्जी जैसा ही लगे। इसलिए बस 2 चम्मच डाल करके उसको बंद कर दिया कुकर, और 2-3 सीटी जैसे लेते हैं आलू की सब्जी के लिए वैसे ही लेना है। और यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर, ये सब्जी हमारे बांदा में नहीं बनती मेरी मम्मी घर, लेकिन मेरी मधु चाची हैं वो बनाती हैं। जब भी मैंने खाई है ये सब्जी तो मधु चाची के पास खाई है, और ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बस इसमें यही रहता है धनिया ज़्यादा चाहिए। अब धनिया ज़्यादा तो सिर्फ विंटर सीजन में ही होता है कि हाँ धनिया फ्रिज में स्टोर है, क्योंकि अभी आज फिर से आ गया ढेर सारा धनिया। और मेथी मंगाई थी मैंने, मेथी मटर मलाई बनानी थी एक्चुअली मुझे, आज संडे था तो ये था डिनर में कुछ बनाएंगे, तो मैंने सुबह ही मंगवाई थी मेथी ज़्यादा सी फ्रेश मेथी, लेकिन अब आज चूंकि मुझे जल्दी से बनाना था तो मैंने ये सब्जी बना लिया। कल बनाएंगे हम मेथी मटर मलाई, और खूब सारा धनिया भी आ गया था इसलिए फिर जो पहले का धनिया रखा था फ्रिज का उसका मैंने खात्मा कर दिया सब्जी में, नया धनिया स्टोर कर लिया, और यहाँ रोटियों में घी लगा करके साइड में किया, पूरी रसोई साफ कर दी, बर्तन वर्तन धुल दिया, उन लोगों को बता दिया कि भाई खाना रेडी है चलो शुरू हो जाओ। और इस सब्जी के साथ चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो चावल पहले से आज जो मैंने लंच में बनाए थे थोड़े ज़्यादा से थे तो वो बोल में रखे हैं, और इन्हें मैं माइक्रोवेव में गरम कर लूँगी, फटाफट से गरम हो जाते हैं 1 मिनट में। ये देखो भाप निकलते हुए गरम चावल, जब दिन के पच जाते हैं तो हम ऐसा ही करते हैं, अक्सर ही करते हैं, और वैसे जब बने तो अलग ही बात है, क्योंकि रात में बहुत ही कम ही है जो हम बना रहे होते हैं, ज़्यादातर लंच में बन रहे होते हैं राइस, और कभी नहीं बने लंच टाइम पे तो फिर बन जाते डिनर में।
और कुकर खोला है, सब्जी एकदम सही है, मतलब इतना रसा रहे कि पीने में चम्मच से सिप करने में अच्छा लगे ना ऐसा। और धनिया की खुशबू, गुप्ता जी को बहुत पसंद आई ये सब्जी। मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, मतलब सालों में बन पाती है क्योंकि वो धनिया का इंतजार करना पड़ता है, और या फिर इतना कुछ ना कुछ रोज रहता ही है ना, फिर ये रहता है कि ये कब बनाओ। जो भी कहो, मूड आ जाए, कभी याद आ जाए कुछ चीजें, बन जाए मुहूर्त में। और देखो जैसे गुप्ता जी रूम से आ रहे थे ना अंदर से, कि खाना लग रहा है, जैसे कैमरा देखा कॉन्शियस हो गया, अच्छा ये चालू था क्या। और थाली लग चुकी है गर्मा गर्म आलू बेसन, क्या कहें, आलू धनिया की सब्जी, धनिया वाले आलू की सब्जी और गरम चावल, रोटी, सिंपल और टेस्टी डिनर। और जब रोटी सब्जी खाई गई और सब्जी सिप की गई तब तो अच्छी लगी, जब चावल के साथ खाया गया तो गुप्ता जी जो चावल कम खाते हैं, पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने बोला कि दीदी, शुभी से कहें दीदी चावल के साथ ये सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। और हम लोग को तो खैर पसंद ही है, चावल के साथ सब कुछ खाना पसंद है हमें तो, हर सब्जी कढ़ी सब अच्छा लगता है। उन्होंने बोला ये मेन बात है, इसका मतलब चावल के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ सब पूरे काम हो चुके हैं, बैठे आराम से दरबार। ये हम लोगों की बैठक है, कल फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।